दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। बीते कल नाहन स्थित एक बड़े मार्ट में टाटा नमक में नकली पैकेट्स मिलने पर कॉपीराइट के तहत मामला दर्ज होने के बाद आज फूड एवं सेफ्टी विभाग ने अन्य खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दिशा में आगामी कार्रवाई करते हुए फूड एंड सेफ्टी के सहायक आयुक्त अतुल कायस्थ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे। खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस दौरान सहायक आयुक्त के द्वारा फूड सेफ्टी वैन को मौके पर बुलाकर दर्जनों सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें मिनरल वाटर, सरसों का तेल, मिर्च, हल्दी, देसी घी आदि दर्जनों के मौके पर ही सैंपल लेकर जांच की जा रही है। बता दें कि मार्ट में हाल ही में टाटा के जांच बैंक के द्वारा जिला सिरमौर पुलिस के सहयोग से यहां पर नकली नमक की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसके बाद आज सुबह ही फूड डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और यहां पहुंचकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फूड एवं सेफ्टी के सहायक आयुक्त अतुल कायस्थ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज टीम के साथ मौके पर आकर खाद्य वस्तुओं के सैंपल भरने के साथ जांच जारी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 20 से ज्यादा वस्तुओं के सैंपल भरे जा चुके हैं, जिनकी जांच फूड वैन के माध्यम से की जा रही है। गोदाम है, वहाँ पे कॉपीराइट एक्ट में उनके अगेंस्ट मामला दर्ज हुआ है, सेक्शन 63 में टाटा नमक के अगेंस्ट। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुबह यहाँ से छापामारी अपनी शुरू कर दी और हमने फिलहाल अभी तक हमने इनके 20 से 21 सैंपल जो हैं हमारे पास, आज मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है जो कि पिछले 4 दिनों से जिला सिरमौर में तैनात है, तो हमने इस मोबाइल की भी सुविधा का उपयोग किया है ताकि हमें इंस्टेंटली रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएं। तो अभी लगभग हमने 21 सैंपल इसी दुकान से चेक कर लिए हैं, जिसमें से कुछ सॉसेज हैं, ऑयल्स हैं, मसाले हैं, जैसे जिसमें रंग की ज़्यादा हमें आशंका रहती है, हल्दी है, जैसे लाल मिर्च है, और साथ ही साथ इनके पास कुछ ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स थे जो बर्फी है। तो अभी तक लगभग 21 सैंपल अभी हमने इनके जांच लिए हैं इसी दुकान से। फिलहाल हमें एक सैंपल में प्राइमा फेसिया स्टार्च की मात्रा मिली हुई है, वो भी बर्फी का सैंपल है, उसको हम अब लेजिटिमेट सैंपल अभी उठा रहे हैं। हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है और इस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।